साइकिल से नया कीर्तिमान रचने निकले वाराणसी के उत्कर्ष वर्मा का शेरघाटी के सामाजिक कार्यकर्ताओं और रक्त वीरों ने गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। 40 दिनों के लक्ष्य के साथ BHU काशी विश्वविद्यालय के संस्थापक महामाना मदन मोहन मालवीय की मूर्ति को माल्यार्पण कर अपनी साइकिल यात्रा की शुरुआत करने वाले उत्कर्ष वर्मा 35वें दिन शेरघाटी पहुंचे। यहां पर GT रोड के समीप नई बाजार में मानव रक्षा अभियान के अध्यक्ष कवि मुकेश, रवि अग्रवाल, रमेश कुमार, शैलेंद्र ठाकुर, मंजीत कुमार, बांके बाजार के जिला परिषद अयूब खान उर्फ कमर खान, एम्पावर्ड पीपुल्स बिहार के कोऑर्डिनेटर एवं शान फाउंडेशन के संयोजक जिशानुद्दीन खान, हॉप फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैदा निवासी शौकत अली आदि लोगों ने फूल माला और बुके देकर वेलकम किया तथा उत्कर्ष वर्मा के हौसले और हिम्मत की सराहना की। उत्कर्ष ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के रास्ते स्वर्णिम चतुर्भुज की यात्रा पूरी करते हुए आज शेरघाटी पहुंचे। उन्होंने बताया कि अपने लक्ष्य से 4 दिन पूर्व यानी 36वें दिन ही वे वाराणसी पहुँच जाएंगे। यात्रा का उद्देश्य यही है कि लोगों को जागरूक कर सके कि मतलब कि आज के टाइम पे मतलब जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके लिए आप साइकिलिंग करें, क्योंकि छोटे मोटे कामों के लिए अगर आप साइकिल को यूज़ करते हैं तो आप ये है कि थोड़ा मोटा जो पॉल्यूशन है वो उससे कम होगा और प्रकृति भी स्वस्थ रहेगा और हम भी स्वस्थ रहेंगे और साइकिल चलाना चाहिए। वैसे कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी मैं बरही कोलकाता से मतलब इधर की तरफ आ रहा हूँ, वाराणसी जाऊँगा अभी। बीस दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद मैंने दिल्ली कवर किया, मुंबई कवर किया, फिर चेन्नई कवर करते हुए फिर कोलकाता और इधर से फिर वाराणसी। अब इतना वापस एंड होगा मेरा और मेरा अभी तक 35 डेज कंप्लीट हो चुका है। 6000 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया है जी। रास्ते में कहीं कोई ऐसी मुश्किलें आई? हाथ में मैं गिर गया था रोड पे। अच्छा। तो ये पूरा एकदम सूज गया था तो इसमें क्रैम्प्स आ गया था तो थोड़ा, लेकिन उसमें भी मैंने। आप तो अकेले चल रहे हैं कि आपके साथ ये? नहीं, मैं अकेले चल रहा हूँ, ये भैया और अंकल। क्या नाम है इनका? सैफी जी हैं। अच्छा, सैफी जी। हाँ, और ये राकेश अंकल हैं। अच्छा। तो ये लोग मुझे डोभी तक मतलब लेने आए औरंगाबाद से। अच्छा। और फिर ये मेरे साथ औरंगाबाद तक राइड करके तो हुए जाएंगे। और हम आप लोग के साथ ही मतलब जब बात शेयर करते हैं तो आप सारे लोग मतलब जो है कि उससे आप ये प्रेरणा ले सकते हैं कि मतलब कि क्या करना चाहिए। अभी क्या है कि जिस हिसाब से पॉल्यूशन बढ़ रहा है और हम लोग जिस हिसाब से बेफालतू का गाड़ियों का ये उपयोग कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। लैंग्वेज प्रॉब्लम आया कहीं? लैंग्वेज प्रॉब्लम साउथ में तेलुगु का था, और कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन वहाँ के लोग काफी अच्छे हैं। 25 वर्षीय उत्कर्ष वर्मा इस यात्रा से पूर्व भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3755 किलोमीटर का सफर सिर्फ 18 दिन 4 घंटे में तय कर चुके हैं। साथ ही अरुणाचल प्रदेश होते हुए गुजरात तक की 3911 किलोमीटर की यात्रा मात्र 23 दिनों में ही पूरा करके रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। आज इनके आखिरी पड़ाव औरंगाबाद के मित्र सीनियर साइकिलिस्ट और पेशे से व्यवसायी राकेश कुमार पवन ने इन्हें डोभी तक आकर रिसीव किया और इनके साथ युवा साइकिलिस्ट और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में MBBS के छात्र शफीउर रहमान उर्फ सैफी भी साथ रहे। अपने बड़े उद्देश्य को लेकर सफर पर निकले उत्कर्ष कहते हैं कि छोटे मोटे कामों को लेकर लोगों को साइकिलिंग करनी चाहिए ताकि पोल्यूशन न हो और पर्यावरण को भी बचाया जा सके। इनका यह भी कहना था कि स्वस्थ रहने के लिए भी साइकिलिंग को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। अब बात निकली है तो इनके सफर की तरह दूर तलक जाएगी। कैमरा पर्सन फिरोज आलम के साथ इमरान अली, शेरघाटी आजकल।